हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस को या 20 पॉइंट को कवर करेंगे। ये जितने भी पॉइंट होंगे आपको एक नंबर दिला सकते हैं अगर इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। हम ऐसे 20 क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे यानी कि डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये नेशनल पार्क से क्वेश्चन है यानी कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन लिखा गया है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा, चाहे तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम इसी के साथ विश्व के पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये विश्व का पहला नेशनल पार्क है अमेरिका में जो कि 1872 में स्थापित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम था और स्थापना हुई थी 1936 में। हेली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? देश में सबसे ज्यादा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं और यहां पर टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है वो 2018 में स्थापित किया गया है और यहां पर वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1974 लागू हुआ था। उसके बाद है भारत का चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू और कश्मीर के लेह में स्थित है। उसके बाद आता है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान 3,568 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहां दिखाई देते हैं? जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहां दिखाई देते हैं? इसका राइट आंसर होगा केवला देव, घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां नंबर है, सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1955 राजस्थान में। आठवां नंबर है हमारा, कान्हा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995 में हुई थी इसकी स्थापना और ये मध्य प्रदेश में हुई थी। देखिए, मध्य प्रदेश को अभयारण्य के मामले में दो स्थानों में बांटा जा सकता है, एक है हालन और दूसरा है बंजार।
ये 250 किलोमीटर और ये 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। कार्बेट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाइन्थ नंबर है हमारा, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, सॉरी 1957 में, 1957 में। फिर है दुधवा, भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1958 में, 1958 में दुधवा भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1958 में एमपी में। ठीक है, 10 पॉइंट तक हो गए दुधवा तक, और यहां पर ये एमपी नहीं यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। फिर है 11th नंबर, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए अभी तक जो हमने 10 पॉइंट कवर किए हैं, ये या टोटल आप कह सकते हैं जितने भी 20 पॉइंट हैं, कभी ना कभी आपसे एसएससी के एग्जाम में या फिर जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस के एग्जाम, उसमें पूछा जा चुका है। इसलिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे नोट जरूर करिएगा। अगर नोट करते हैं तो आपको समझने में और याद करने में काफी आसानी होगी, और इसका रिवीजन आप जितना ज्यादा करेंगे आपको उतनी जल्दी याद होगा। तो 11वां नंबर है हमारा, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, 1968 में एमपी में इसकी स्थापना हुई थी, जो 105 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1973 में, ये जयपुर में हुआ था, जयपुर में 130 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 13वां नंबर है बांदीपुर, बांदीपुर भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1973 में, 1973 में। फिर 14th नंबर है कि मानस भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1973 में, इसका भी राइट आंसर होगा 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की आप कह सकते हैं कि शुरुआत यहां से मानी जाती है। उसके बाद 15th नंबर है हमारा, मेला घाट भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी 1973 में हुई थी और महाराष्ट्र में हुई थी, 1973 महाराष्ट्र में। 16th नंबर है पलामू भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में झारखंड में, जो अब झारखंड है, पहले बिहार था, पहले बिहार था और अब झारखंड है। 17th नंबर है कि सिमलीपाल भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में उड़ीसा में, 1973 में ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी 1973 में पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है पेरियार भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1978 में, 1978 में केरल राज्य में, केरल राज्य में हुई थी, और कह सकते हैं पेरियार नदी पर, पेरियार नदी पर। 1998 में यहां पर हाथी संरक्षण अभियान चलाया गया था, हाथी संरक्षण अभियान चलाया गया था। फिर 20वां नंबर है हमारा, नागार्जुन सागर के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1982 में, 1982 में, और ये 15 नवंबर से 15 जून तक के लिए ही ओपन किया जाता है, ओपन किया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर एक लखीमपुर खीरी एरिया है, वहां पर है ये। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे, और टॉपिक था हमारा नेशनल पार्क से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।